बेहद ही खूबसूरत दिन जिस दिन आपने बिल्कुल त्याग तपस्या करके अपनी स्थिति को पावरफुल बनाया और फिर एक बार आप मंडे से सैटरडे आने वाले सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए हैं तैयार, क्योंकि ज्ञान और योग का कवच आपके साथ है। तो बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने फेवरेट बेहद अलौकिक शो में, जिसका नाम तो आप सभी को मालूम ही है कि डीपी कौन बनेगा पद्मा पदमपति। तो कल हम सभी ने सुनी है अव्यक्त वाणी, जिसकी रिवाइज डेट और सुनने की तारीख भी देखे सेम है, बस साल अलग है। क्या ड्रामा में पार्ट है कि हम मुरली कौन सी सुने थे जब 5/12/89 को मुरली चली थी, तो वही मुरली आज रिपीट होकर हमारे सामने हमें कल के दिन सुनने को मिली 5/12/2021, क्योंकि उसका महत्व आज था, इसलिए बाबा ने हमें वो सुनाया। बाबा ने सुनाया सदा प्रसन्न कैसे रहे, बाबा ने हमें विधि सुनाई है सदा प्रसन्न रहने की, क्योंकि छोटी छोटी बातों को अगर हम बड़ा करते हैं तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते, इसलिए बाबा ने सुनाया सभी प्रसन्न कैसे रहे, क्योंकि अगर प्रसन्नता है तो संतुष्टता भी होती है। ओम शांति नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में फिर एक बार मैं आपका होस्ट और आपका मीठा दोस्त बी के सज्जन करता हूँ स्वागत अभिनंदन और वेलकम। आप हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं आपके ही अपने फेवरेट शो में, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है और दिल से यही शुभकामनाएं हैं कि आप आए हैं तो ज़रूर जीत कर ले जाए, बन कर जाए यहाँ से ताजधारी दिल तक नशीन आत्मा, जिसके लिए आपको मुरली से पूछे गए 10 नए सवालों का देना होगा सही जवाब, और सही जवाब देते देते 10-10 पॉइंट्स इकट्ठा करते करते अगर 80-90-100 पॉइंट्स में से आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाए, जैसे 80-90-100, तो आप ताजधारी बन जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत, रखते हैं कल के मुरली से मुख्य पॉइंट्स, फिर हम अव्यक्त वाणी को भी आज की रिवाइज करते चलेंगे। संडे का दिन है, पूरा एंजॉय करेंगे, पूरे 20 मिनट हम मजा लेंगे, बाबा को याद भी रखेंगे, ज्ञान से भी संपन्न बनेंगे। तो चले करते हैं कल की मुरली की रिवाइज। बाबा कहते देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देह अभिमानी बनो, देह अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं देह अभिमान ही दुख देता है, ना कि कोई आत्मा परिस्थिति, ना तो किसी का स्वभाव संस्कार, सिर्फ देह अभिमान है जो हमें दुखी करता है, इसलिए देह अभिमान से मुक्ति। बाबा कहते हैं सत्युग में साहूकारी का पद अगर प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान की धारणा करो, जितना ज्ञान धन धारण करके औरों को दान करेंगे उतना साहूकार पद पाकर एवर वेल्थ बनेंगे, इसलिए पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है, सब खामियां निकाल देनी है, पूरा देह अभिमानी बनना है, बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को करना है याद, इसलिए गीत बजता धीरज थर बनवा तेरे सुख के दिन आए किया। बाबा कहते अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करो और दान करते रहो, इसी धंधे में बिजी रहे, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनो। बाबा कहते कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, इसलिए सबका कल्याण करो, किसी की भावना को तोड़ना उल्टी मत देना, यह कल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। और आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त बनो, क्योंकि जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हैं, ऐसे आत्मिक उन्नति के लिए भी साधन अपनाओ, इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त समझ कर चलते हैं वह अकाल मृत्यु से, अकाल से सब समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ, और कोई भी बात को अगर बार बार फील करेंगे तो फाइनल में फेल हो जाएंगे। तो चलिए बहुत गहरी मीठी शिक्षाएं कल थी साकार वाणी के माध्यम से जो हमें मिली थी, आज बारी है आपके सामने रखने की आज की अव्यक्त वाणी से 10 नए सवाल। तो करते हैं शुरुआत, रखते हैं आज की मुरली से पहला प्रश्न। मुरली का टाइटल पहचाने, चार ऑप्शन, ऑप्शन ए सदा प्रसन्न कैसे रहे, ऑप्शन बी प्रसन्नता की कुंजी, ऑप्शन सी प्रसन्नता का वरदान, ऑप्शन डी प्रसन्न भव एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Thank you.
वक्त समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन है सदा प्रसन्न कैसे रहे। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पहले प्रश्न का तो बिल्कुल दिया है सही जवाब आपने और 10 पॉइंट्स कर लिए हैं इकट्ठे। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। बस यूं ही आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल अच्छी राह आपने थामी है कि आपको ऐसे ही आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो चलिए बढ़ाते हैं कदम, रखते हैं दूसरा प्रश्न। परमात्म सर्व प्राप्तियों के डैश में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए स्वरूप, ऑप्शन बी शक्तियाँ, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष स्वरूप। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन डी प्रत्यक्ष स्वरूप। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दो पड़ाव आपने पार कर लिए हैं, दो प्रश्नों को पार कर लिया है, तो इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। सकता है 20 पॉइंट से भी आप संपन्न हो गए होंगे। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए बधाइयाँ तो बहुत ले ली है, ज्ञान से भी सजते हैं बाबा कहते। छोटी सी बात के कारण भी हम कई बार अप्रसन्न रहते हैं, तो इसलिए पहला पहला पाठ मैं कौन इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। तो जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है, इसलिए कभी भी हमें अप्रसन्न नहीं होना है। क्योंकि बाबा रिजल्ट देख रहे थे कि कई बच्चे अप्रसन्न रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो बाबा ने लेसन दिए हैं, पाठ पढ़ाया है, वो भूल जाते हैं। हम कौन है? आत्मा है, और आत्मा का काम ही है खुश रहना, क्योंकि उसके पास सर्वस्व ज्ञान है। उस ज्ञान के माध्यम से वो कभी भी दुखी हो नहीं सकती है। तो इसलिए रखिए अपना ख्याल और कभी भी अप्रसन्न नहीं होइए। रखते हैं आपके सामने तीसरा प्रश्न, रूहानी प्रसन्नता। स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी क्या और शक्ति भी अनुभूति करती हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए सुख, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी मुक्ति, ऑप्शन डी शांति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, बता दें सही जवाब। आपने तो बता दिया, हम भी बता दें। सही जवाब ऑप्शन डी शांति। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। फिर एक बार तीसरे प्रश्न का भी दिया है आपने बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट से संपन्न हो गए हैं आप। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए अब 30% खेल को पूरा करते हैं, बढ़ चलते आगे। रखते हैं आपके सामने चौथा प्रश्न। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी किस में रहना चाहती हैं? आप लोगों ने क्या खर्चा किया? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए प्रसन्नता, ऑप्शन बी सुख, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी शांति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर एक बार समाप्त हुआ, आप लोगों ने तो अपने हिसाब से जवाब बता दिया। बारी आ गई है केबीपी टीम को सही जवाब बताने की। तो चलिए बता दें सही जवाब, ऑप्शन ए प्रसन्नता। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर से बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो 40% खेल तो हो चला है पूरा, और आपने भी बड़े ही प्यार से ये खेल खेला है।
तो बस ऐसे ही खेल खेलना है, बाप की याद बनी रहे आत्मपानी स्थिति में स्थित होकर खेल खेलते जाइए। तो चलिए, खेल तो हम खेलेंगे लेकिन भरपूर भी होते हैं, शक्तिशाली भी बनते हैं, इसलिए याद करते हैं मीठी मुरली को। बाबा पूछते हैं सभी संतुष्ट होना, क्योंकि संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न ऐसे तो नहीं है? कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो? आज ये कर लिया, आज ये हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो? सदा प्रसन्नचित रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं? ऐसे नहीं, मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर, तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो, दूसरों को भी करेंगे, फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा ना। अगर कोई प्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजेंगे। यह टाइम और तारीख याद रखना। हाँ, यह पत्र लिखो, ओके हो और मेरे से भी सब ओके है। यह दो लाइन लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके। इतना खर्च क्यों करते हो? यह तो दो लाइन कार्ड पर आ सकती है और बार बार भी नहीं लिखो। मास में दो बार 15 दिन में एक ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। तो मीठी मीठी प्यारी प्यारी शिक्षाएं लेने के बाद बढ़ते आगे रखते पांचवा सवाल। प्रसन्नता भी तीन प्रकार की देखी, पहली स्वयं से प्रसन्न, दूसरी दूसरों द्वारा प्रसन्न, तीसरी क्या द्वारा प्रसन्न। चार ऑप्शन है बाप दादा, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी बाप। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी सेवा। तो बधाई हो, बधाई हो, मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। फिर एक बार 50% खेल पूरा हो गया है, तो बज उठी है तालियाँ आपकी दृढ़ता की शक्ति के लिए कि आपने 50% खेल में बहुत अच्छे पॉइंट्स कमा लिए। बस ऐसे ही आगे पॉइंट्स कमाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए कदम आगे बढ़ाते हैं, छठवां प्रश्न रखते हैं। उस समय एक सेकेंड भी निकल गया तो किस मंजिल पर पहुँच नहीं सकते। चार ऑप्शन, ऑप्शन पुरुषार्थ, ऑप्शन बी सत्युग, ऑप्शन सी सफलता, ऑप्शन डी मुक्ति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन सी सफलता। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। दिल की दुआएं मुबारकें और दिल खुश मिठाइयाँ। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए, बधाइयाँ ले ली आपने क्योंकि आप मंजिल के समीप पहुँचे, इसलिए थोड़ा वरदान को भी अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं समान और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि सामना और समाना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते और सामना माया से करते, ना कि देवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। तो इसलिए अटेंशन रखना है, रूहानी सेवाधारी हमें बनना है। तो अब बढ़ते आगे रखते हैं सातवां सवाल। जैसे देखो बाप दादा सदा भोली भंडारी किसका मिसाल देता है। महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम आता है जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए जगदम्बा माँ, ऑप्शन बी गुलजार दादी, ऑप्शन सी जानकी दादी, ऑप्शन डी भोली दादी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन डी भोली दादी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को। फिर से आपने कर दिखाया है कमाल और आप बन चुके हैं एक बार 10 पॉइंट्स के हकदार। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। इस सफर में अगर आपके पास 60-70 पॉइंट्स आ चुके हैं तो आप मंजिल के समीप ही समझिए स्वयं को। तो चले बढ़ते आगे, रखते हैं 8वां प्रश्न। आपको तो एक ही पार्ट है, प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है एक पढ़ाई का। दूसरा किसका और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी साथ रहने का, ऑप्शन सी कमाने का, ऑप्शन डी खर्च करने का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए सेवा। तो कांग्रेचुलेशंस एंड कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई, आपको मिलता है सिल्वर क्राउन अगर 80 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं तो। बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो चलिए बधाइयां तो ले ली है, ज्ञान रतन भी लेते। बाबा कहते छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। तो बधाइयां बधाइयां और बधाइयां, क्योंकि ज्ञान रतन से श्रृंगारित हुए हैं। बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां सवाल। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो क्या है? वह तो हो गए, लेकिन आत्मा पावरफुल हो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है पतित, ऑप्शन बी अंतिम, ऑप्शन सी दीनहीन, ऑप्शन डी कमजोर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन भी अंतिम। तो बधाई हो फिर एक बार, क्योंकि अगर 90 पॉइंट्स आपके पास आ गए तो गोल्डन क्राउन आपका। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो चलिए फिर एक बार, बधाइयों से भरपूर हैं आप और मौका है रखने का अंतिम सवाल। तो प्रश्न है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को क्या बनाओ? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी इजी, ऑप्शन डी शक्तिशाली। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन डी शक्तिशाली। तो शक्तिशाली जिन भाई बहनों ने दिया है सही जवाब, 10 पॉइंट से संपन्न हुए आप, तो उनके लिए अनुभव करने की बारी आ गई है शक्तिशाली बाप की शक्तिशाली किरणों को अपने ऊपर। फील करें, अनुभव करें परम धाम से बाप की शक्तिशाली किरणें हम सब पर पड़ रही है और हम सभी भरपूर हो गए हैं। अब स्वयं बाप दादा हमारे समुख विराजमान, सिर पर ताज सजा रहे हैं और गले से लगाकर बधाइयां दे रहे हैं। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयां जी बधाइयां कि आपने परमात्मा से दिल की दुआएं ग्रहण करी है और मुबारक ली है। तो बाबा को करे दिल से शुक्रिया 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 के गीत गाए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाजत, हम चलते हैं। अच्छा, ओम शांति ओम।